झांसी के प्रेमंगा के नैनागढ़ में कूड़ा घर की जगह बनाए जा रहे सेल्फी पॉइंट में मोहल्ले के दबंग ने रोड़ा अटका दिया। उसने सेल्फी पॉइंट बना रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दौड़ा दिया। नगर निगम के उपसभापति के साथ नागरिकों ने अपर नगर आयुक्त को शिकायती पत्र देकर दबंग पर कार्यवाही कराने की मांग की। नगर निगम द्वारा महानगर के 10 कूड़ा घर को समाप्त कर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। बेकार से आकार संस्था को इसका काम दिया गया है। माना जा रहा है कि खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनने से लोग घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकेंगे और डोर डोर कूड़ा कलेक्शन की टीम को देंगे, लेकिन वार्ड 29 नैनागढ़ दक्षिण द्वितीय में मोहल्ले के एक दबंग ने इसमें रोड़ा अटका दिया, जिसके चलते आज नगर निगम अतिक्रमण दल व अधिकारी आज मौके पर पहुंचकर जगह की नाप व जांच की, जिसमें जगह सही पाई गई व सेल्फी पॉइंट बनाने का कार्य फिर शुरू हो गया, जिसके चलते सभी क्षेत्रवासियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। नमो फॉर मीडिया से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट। भैया मेरा नाम भरत सैन है और मैं 1229 से पार्षद हूँ और वर्तमान में डिप्टी मेयर भी हूँ। ये सेल्फी पॉइंट को बनाकर लेकर क्या विवाद चल रहा है? इसके लिए विवाद ये चल रहा था भाई साहब, कम से 20 साल से यहाँ कूड़ा घर बना हुआ था, 2 कंटेनर रखे थे नगम के, तो क्षेत्रवासियों सबकी काफ़ी दिन से डिमांड थी कि ये कूड़े घर हट जाए। इस शिवरात्रि का मंदिर, वो शंकर जी का मंदिर है और मैन चौराहा है ये, तो इसके लिए हमने निगम में प्रयास किया। फिर शासन से आदेश आया कि झांसी नगर में जितने भी कूड़े घर हैं उनको हटाकर सेल्फी पॉइंट बनाया जाए, तो ये हमने यहाँ ही पास कराया। इसके लिए काफ़ी प्रयास किया, सबका सहयोग रहा, मेयर साहब का भी, अपरायुक्त का भी, हमारे इसमें भाई पास हो गया। तो ये पड़ोस के रहने वाले पड़ोसी व्यक्ति हैं लाला महरवार जी, जिन्होंने आरोप लगाया कि ज़मीन हमारी है, वो चूँकि ज़मीन इनकी है नहीं है, ये ज़मीन रोड की ज़मीन है, इसमें सरकारी डामा रोड डला था, बस उपकूल क्षेत्र भाई सब साथ में खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि तपना रोड है। तो आज कौन सी टीम आई थी? आज अतिक्रमण टीम आई थी और DM के यहाँ से कोई कर्मचारी आए थे, वहाँ पर लेखपाल जो भी, उन्होंने ज़मीन नापी, मौके पर ज़मीन रोड की सरकारी पाई गई।